तो हेलो गाइस और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ, तुमने चेयर पर डिफरेंस देख ही लिया होगा। अब मैं तुम्हें इसके पीछे की लॉन्ग स्टोरी क्या ही बताऊँ, ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं फटाफट। तो देखो, ये चेयर मेरा नॉर्मल चेयर है जो मैं यूज़ करता था प्राइमरीली, जो जब भी मैं काम वाम करता था। और वहाँ एक चेयर पड़ा हुआ है जो तुमने देखा होगा जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आज बहुत सुस्ती थी सच में, नींद आ रहा था, मुझे मजाक नहीं करूँगा, और मेरा बिल्कुल मन नहीं किया मैं चेयर को चेंज करने इतना टाइम। तो मैंने सोचा चलो यार इसी चेयर में कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, तुम ही बताना है कैसा लगेगा। तो यार आज तो मेन टॉपिक है यार, तो आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 के ऊपर। हाँ भाई, सही सुना तुम सब लोगों ने, आईफोन 13। मैं मुझे पता है मैं क्रेजी साउंड कर रहा हूँ, मतलब मैं भी वही टिपिकल यूट्यूब चैनल्स की तरह कुछ भी टीजर वीजर दिखा दूंगा आईफोन 13 के नहीं। मैं आज कुछ लीक्स और रूमर्स के ऊपर बात करने वाला हूँ जो बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से आते हैं यार, और जो ये सब सोर्सेज हैं यार, ये पास्ट में यार बहुत ज़्यादा सही माने गए हैं और बहुत ज़्यादा सही इनकी प्रिडिक्शन रही है। और आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे और देखेंगे यार कि आईफोन 13 कैसा होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार, तो वेट क्यों कर रहे हैं यार, लेट स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तुम करते नहीं हो यार सब्सक्राइब, काय को यार, कर दो यार सब्सक्राइब चैनल को, कुछ लग थोड़ी रहा है तुम्हारा, कर दो यार सब्सक्राइब, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है चेयर चेंज करने का। तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखो मेरा चेयर भी चेंज नहीं हो रहा, इतना मोटिवेशन नहीं दे रहे हो, मोटिवेशन दो मुझे, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ज्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार इस हफ्ते ना यार बहुत क्रेजी चीज़ें हुई है, और ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं ना, लिटरली मैंने सोचा नहीं था, मजाक नहीं करूंगा, झूठ क्या ही बोलूंगा। विंडोज 11 आ रहा है यार, मतलब मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा था भाई। सबसे पहले मजाक नहीं करूंगा, सब पहले जब रूमर स्प्रेड हो रहे थे ना कि विंडोज 11 आने वाला है, फिर से मैंने सोचा यार फिर से यार ये फेक वाले होने वाले हैं, फेक टीजर्स। बट आई वॉज सरप्राइजिंगली रॉन्ग, मजाक नहीं करूंगा सच में विंडोज 11 आने वाला है, और मैं अगर तुम्हें डेट बताऊं तो वो 26 होने वाला है, लॉन्च डेट होने वाला है। बट अभी से ही उसका प्रीव्यू वर्जन जो उसका मतलब फर्स्ट लुक होता है, तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दूंगा, जाकर सर्च मार लो, थोड़ा तो काम कर लो तुम। तो बैक टू टॉपिक आए, तो यार आज हम बात कर रहे थे वैसे आईफोन 13 के ऊपर और क्या क्या लुक होने वाला है, क्या क्या रूमर्स हैं, क्या क्या लीक्स हैं, आज हम उनके उसके बारे में बात करेंगे। तो तो धीरे धीरे यार हम देखते हैं क्या क्या सारे लीक्स रूमर्स हैं। तो यार जो सबसे पहला रूमर आ रहा है भाई, वो है आईफोन 13 फुल बटनलेस होने वाला है। सही सुना तुम सब लोगों ने, फुल बटनलेस होने वाला है, सही सुना, बटनलेस होने वाला है। सेम एज यार वीवो का एपेक्स की तरह फुल बटनलेस होने, फुल बटनलेस होने वाला है। तो ये देखो, ये मजाक नहीं करूंगा, ये रूमर सुन के बहुत बहुत क्रेजी है यार, मतलब भाई कितना फ्यूचरिस्टिक है, तुम खुद भी सोचो यार, मतलब फुल बटनलेस है, मतलब कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करेंगे और बटन को रिप्लेस करेंगे। अगर तुम मुझसे पूछो ना, तो लिटरली यार विदाउट बटन यार थोड़ा कभी कभी सैटिस्फैक्शन नहीं होता कि बटन दबाया नहीं, मतलब समझो ना वो फील नहीं आता यार। और अगर बटन्स को हटा दिया गया तो यार एक हैप्टिक नहीं मिलेगा, शायद से वाइब्रेशंस के थ्रू दिया जाए, बट मुझे लग रहा है बटन्स आर मच बेटर, देखते हैं शायद से बटन से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बट अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे भी नहीं लगता। और अगर मुझसे तुम पूछ रहे हो कि यार ये बटनलेस है तो क्या क्या ऑप्शन है भाई एप्पल के पास, कि क्या क्या एप्पल यार रिप्लेसमेंट यूज़ करने वाला बटनलेस आईफोन के लिए, तो यार बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। लाइक डिस्प्ले इतना कर्व्ड हो सकता है कि हम उसको एज अ बटन यूज कर लें, हो सकता है हम टच करेंगे और वो एज अ पावर ऑन, मतलब पावर ऑन कर नहीं बोल सकता, बट हम वॉल्यूम का हो सकता है, वॉल्यूम बटन हो। पर अगर बटन लेस है तो यार कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और अगर दूसरा बोलूँ तो यू कैन से टच सेंसर्स होंगे, पता नहीं यार कुछ भी हो सकता है, कोई शायद से नई चीज ही निकल के आ जाए हमें, मतलब सरप्राइजिंग भी, क्योंकि तुम्हें पता ही है यार, तुम्हें पता ही है आईफोन्स बहुत ही क्रेजी चीज़ें होती है, और सारी जो नई चीज़ें होती है अधिकतर वो आईफोन्स में ही होती है, तब कॉपी करते हैं यार ये वीवो और ओप्पो वाले। बट ठीक है, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले नया चीज़ आईफोन में ही आता है, तो देखते हैं क्या क्या नया आ रहा है। जो अगला रूमर है यार वो है इनके कलर प्राइजेज और रिलीज डेट के ऊपर।
तो अगर मैं तुम्हें रिलीज डेट का बताऊं तो लिटरली कंफर्म नहीं है यार, मैं मजाक नहीं करूंगा। रूमर पे मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, काफ़ी सारे एग्जैक्ट डेट्स बोले गए हैं, बट मुझे नहीं लगता जो एप्पल यार जो करता है सितंबर सितंबर के मंथ में यार अपना iOS अपने एप्पल्स डिवाइसेस लॉन्च करता है, वही मुझे लग रहा है सिमिलरली iPhone 13 भी उसी मंथ लॉन्च होने वाला है। तो देख, और बात करूँ कलर्स के ऊपर तो सारे सेम कलर होने वाले हैं, बट बोला जा रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा कलर्स आने वाले हैं। एक होने वाला है पिंक और दूसरा होने वाला है ब्लैक, पूरा मैट ब्लैक। बताना यार मुझे मैट ब्लैक बहुत सही लग रहा है, मतलब मुझे मैट ब्लैक सुनकर यार बहुत ही क्रेजी लगा, मतलब मैट ब्लैक तुम सोच रहे हो, बट देखते हैं यार कैसा लगता है। और देखो यार मजाक नहीं करूंगा, एप्पल्स के जो कलर चॉइसेस होते हैं मुझे हमेशा फैसिनेट करता है वो, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि एप्पल क्या कलर्स चूज कर रहा है वो, सच में तो मुझे नहीं पता यार कलर्स के ऊपर तो, बट हाँ ये दो कलर आने वाले हैं रूमर्स के हिसाब से। तो यार अगर मैं तुम्हें एक अनएक्सपेक्टेड रूमर दूं, मैं मजाक नहीं करूंगा, वीडियो के स्क्रिप्ट में भी नहीं था ये, तो मैं अभी कुछ कुछ फॉर्म्स पढ़ रहा था यार जो एप्पल्स को लिखे जाते हैं, कुछ ईमेल्स, तो उसमें बोला जा रहा था यार कि पर्पल कलर लोग डिमांड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग हैं वो जो पर्पल डिमांड कर रहे हैं, बट हाँ कुछ कुछ लोग हैं जो पर्पल कलर डिमांड कर रहे हैं, पता नहीं यार शायद से मुझे ऐसा लगता है कि पर्पल कलर भी शायद से रिलीज हो सकता है। अगर रूमर्स भाई मैट ब्लैक बोल रहे हैं, पिंक बोल रहे हैं, तो पर्पल भी सही। तो अब आते हैं हम आखिरी रूमर्स पे जो तुम सब वेट कर रहे हो, प्राइस क्या होने वाला है। आई नो भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, प्राइस तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या एक, मुझे समझाओ यार। देखो सेम मॉडल्स आने वाले हैं, जैसे iPhone 12 के आने वाले थे मॉडल्स, लाइक जैसे iPhone 12 में क्या था, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max, सेम होने वाला है iPhone 13 में भी होने वाला है। और तुम्हें पता है यार कि iPhone mini और iPhone जो है वो 100,000 के नीचे होने वाले हैं, और जो iPhone का जो Pro मॉडल है और Pro Max वाला है वो 100,000 के ऊपर होने वाले हैं। बट देयर इज लिटिल थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, देखो पहले के आईफोन यार इंडिया में नहीं बनते थे, तुम्हें पता है, तो पहले के आईफोन 12 यार इंडिया में नहीं बना था, मतलब बाद में बन रहे थे बट हाँ शुरुआत से इंडिया में नहीं बन रहा था। बट यार आपको पता होगा रिसेंटली आईफोन ने अपना स्टोर लॉन्च कर दिया, मतलब ऑफिशियल स्टोर लॉन्च कर दिया है इन इंडिया, जिसका मतलब ये है यार तुम समझ सकते हो कि यार आईफोन मतलब एप्पल यार आईफोन्स बिल्ड करेगा इन इंडिया, तो आई थिंक प्राइजेस कम हो सकते हैं शायद से कुछ स्पेशल प्राइजेस हमें देखने के लिए मिले, जैसे दुबई में तुम्हें कभी कभी थोड़ा सस्ता मिल जाता है, कभी कभी क्या काफ़ी सस्ता मिल जाता है, तो शायद से वैसा इंडिया में भी देखने के लिए मिल सकता है, मुझे नहीं पता, बट टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा मत सोच के रखना कि भाई आज भाई iPhone 12 Pro Max भाई 100,000 के नीचे नहीं, मुझे देखो इंडिया में बने या ना बने iPhone Pro Max 100,000 के ऊपर आएगा ही आएगा। प्रो का मैं शायद से हो सकता है कि 93,000-96,000 पे हो जाए, मुझे नहीं लगता एप्पल कभी भी प्रो मैक्स को मतलब अपने हाइस्ट मॉडल को 100,000 से नीचे बेचेगा, 1,00,000 से नीचे बेचेगा, दिस इज इम्पॉसिबल सीरियसली। अगर तुम्हारे घर के सामने भी बना रहा होगा ना एप्पल तब भी तुम्हें 1,00,000 के नीचे नहीं देगा, दैट्स द ट्रुथ भाई, एप्पल है तुम समझो, वो कितने भी प्राइसेस कम कर देगा अपने मैक्स मॉडल के लिए तुम्हारे लिए, तुम्हें छूट नहीं देगा, शायद से नीचे वालों को काफी कम मिल जाए तुम्हें, शायद से 50,000-40,000 में तुम्हें दिखे आईफोन, सिंपल आईफोन जो होता है आईफोन 13, तो बट अगर मैक्स का बोलूं या प्रो का बोलूं तो वो दोनों सस्ते नहीं होने वाले। प्रो मैक्स का तो तुम्हें मैंने बता ही दिया 100,000 के ऊपर या डेफिनेटली, प्रो का शायद से प्राइस कम हो यार और 100,000 के नीचे है। तो यार दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो के लिए बस इतना ही, और बताओ क्या चल रहा है तुम सब लोगों का। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं वीडियो में ये क्या कर रहा हूँ, क्या इतना डिस्टर्बिंग है ये वीडियो में, सॉरी यार।
भूख लग रहा था बट सच में खाने के लिए कुछ नहीं है, गरीबियत। मजाक कर रहा हूँ यार, खाना खा लिया है, प्यास लग रहा था मुझे, पानी है इसमें देख लो, दिख रहा है तुम्हें? छोड़ो यार क्या कर रहा हूँ मैं वीडियो, बट ठीक है यार, दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो। और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ठीक है, देख लो, वरना ना तुम्हें जिंदगी भर आईफोन नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए स्पेशली एप्पल वाले प्राइजेस बढ़ा के तुम्हें देंगे, देख लो, सब्सक्राइब कर लो, सस्ते में मिल जाएगा डील। करो यार सब्सक्राइब, करो करो यार, बाय बाय।